hello my dear kids welcome back i am vandana and we are learning english grammar by brainroot series and this is a book grammar great odyssey book 1 and today we are going to start with chapter number 7 and the name of the chapter is he she it and they सो समटाइम्स वी डोंट वॉन्ट टू यूज द सेम नेमिंग वर्ड्स अभी हमने जैसे प्रनाऊ में पढ़ा कि हम नेमिंग वर्ड की जगह पर हम प्रनाउंस यूज करते हैं तो कई बार हम सेम नेमिंग वर्ड को बार बार यूज़ नहीं करना चाहते हैं एंड देन वी यूज वर्ड्स लाइक इट ही शी एंड दे तो हम क्या करते हैं अगर हमें वही सेम नेमिंग वर्ड्स बार बार यूज नहीं करना है तो हम इट he, she, it and they को use करते हैं In the place of naming words, उस naming words की जगह पे So here let's read the points. First one is we use he for boy or one man. एक man की बात हो रही है या एक boy की बात हो रही है तो हम क्या use करेंगे he. We use she for girl or वुमेन गर्ल या फिर वुमेन के लिए शी यूज करते हैं इट इज़ यूज फॉर थिंग्स और एन एनिमल इट को हम किसी एनिमल के लिए या किसी थिंग के लिए किसी सामान के लिए यूज करते हैं वी यूज दे टू टॉक अबाउट मोर देन वन बॉय वन गर्ल वन मैन और वन वेमेन एनिमल और थिंग तो दे हम यूज करते हैं एक से ज्यादा चीजों के लिए वी यूज आई वेन वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ जब हम अपनी खुद की बात करते हैं तो हम आई को यूज करते हैं वी यूज यू व्हेन वी टॉक अबाउट सम वन एल्स हम यू कब यूज करते हैं जब हम किसी और पर्सन की बात करते हैं अपने सामने जो पर्सन बैठा उससे बात करते हैं या उसकी बात करते हैं वी यूज यू टू टॉक अबाउट वन पर्सन एज वेल एज मोर देन वन पर्सन तो यू जो है एक पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है और एक से ज्यादा के लिए भी यूज किया जाता है तो यू का मेन काम क्या है जब हम सामने वाले पर्सन से फेस टू फेस बात करें तो हम उसे यू से ही बुलाते हैं नाउ लेट्स डू द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर सर्कल द वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स उन वर्ड्स को सर्कल करिए जो नेमिंग वर्ड्स की जगह पे यूज किए जा रहे हैं वन हैज बिन डन सो लेट सी वॉट आर द वर्ड्स हर्ष एंड हर्षिता आर फ्रेंड्स हर्ष और हर्षिता क्या है फ्रेंड्स हैं दे गो टू द पार्क दुगेदर वो साथ में पार्क जा रहे हैं तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे दे किसके लिए हर्ष और हर्षिता के लिए क्लियर नाउ सेकेंड वन इज माई नेम इज अंशिका मेरा नाम अंशिका है

फादर इज प्लांटिंग आ ट्री फादर ने एक पेड़ लगाया आई एम वॉटरिंग द प्लांट तो यहाँ पे आई को करेंगे सर्कल आई एंड सोनी आर फ्रेंड्स वी आर ब्यूटिफुल तो यहाँ किन की बात हो रही है सोनी और मेरी बात हो रही है तो आई एंड सोनी आर फ्रेंड्स तो हमने यहाँ पे यूज किया वी नोबिता एंड सुनियो आर प्लेयर्स तो हमने नोबिता और सुनियो के लिए क्या यूज किया दे सो दे आर प्लेइंग नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज व्हिच इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही शी इट वी और दे तो इन सबको यूज करके हमें क्या करना है ब्लैंक्स को फिल करना है लुक एट द चिंपैंजीज कितने चिंपैंजी हैं बहुत सारे डैश हैव लॉन्ग टेल लॉन्ग टेल है लंबी पूछ है उनकी तो क्या आएगा दे क्योंकि बहुत सारे चिमपै की बात हो रही है द फार्मर हैजू काउस फार्मर के पास कितनी काउ है टू डैश आर व्हाइट इन कलर क्योंकि टू है मींस ज्यादा है तो हम लिखेंगे दे आर वाइट इन कलर वो वाइट कलर के हैं डैश आर प्लेइंग इन द बैक यार्ड कौन खेल रहा है बैक यार्ड में हम लोग खेल रहे हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे वी क्योंकि यहाँ पे आर लिखा आर मीन्स बहुत सारे डैश आर डांसिंग इन द रूम कौन डांस कर रहा है रूम में वी आर डांसिंग इन द रूम तो चलिए यहाँ पे भी वी लिखते हैं दे भी लिख सकते हैं दे आर डांसिंग इन द रूम और वी भी लिख सकते हैं वी आर डांसिंग इन द रूम नेक्स्ट डैश इज अ टीचर एक टीचर है कौन ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं ही इज अ टीचर और शी इज अ टीचर डैश इज अ पोस्टमैन तो पोस्टमैन क्या है ही इज अ पोस्टमैन प्रनाउन मस्ट अग्री विद इट रिप्लेस प्रोनाउन क्या है अपने नाउन के साथ अग्री होना चाहिए जिसको वो रिप्लेस कर रहा है करेक्ट ऑप्शन तो चलिए जल्दी से टिक करते हैं द डॉग इज बारकिंग डॉग बार्क कर रहा है डैश इज हंगी कौन हंगरी है डॉग तो डॉग के लिए हम यूज करेंगे

मोहित इज इन क्लास रूम मोहित क्लास रूम में है डैश इज नॉट वेल सो ही इज नॉट वेल दे हैज अट ही हैज अ रोबोट या इट हैज अ रोबोट सो ही हैज अट द बर्ड फेल थर्स्टी बर्ड जो है थर्स्टी है ही सर्च फॉर वॉटर वॉटर को सर्च कर रही है

डैश हैज स्पार्कलिंग टीथ उसके टीथ बहुत ज्यादा चमकते हैं तो किसके टीथ चमकते हैं ही शी और इट सो ही ना क्योंकि ये गर्ल है तो हम यूज करेंगे शी सो शी हैज स्पार्कलिंग टीथ विराट प्लेस क्रिकेट विराट क्रिकेट खेलता है डैश इज अ गुड प्लेयर एक अच्छा प्लेयर है तो विराट क्योंकि एक बॉय है तो हम यूज करेंगे ही सो ही इज अ गुड प्लेयर शाबा इज अ स्टूडेंट शाबा एक स्टूडेंट है डैश लिवस इन लखनऊ वो लखनऊ में रहती है तो शाबा क्योंकि एक गर्ल है तो हम लिखेंगे शी द क्वीन इज यंग क्वीन कैसी है यंग है डैश हैज लॉन्ग एंड कर्ली है तो ही शी या फिर दे तो क्योंकि ये क्वीन है तो हम लिखेंगे शी शी हैज लॉन्ग कर्ली हेयर जे एंड आई आर प्लेइंग हम दोनों खेल रहे हैं कौन कौन जे और मैं डैश आर प्लेइंग फुटबॉल सो वी आर प्लेइंग फुटबॉल क्योंकि हम दोनों की बात हो रही है तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल So, now let's move on to poem 1. Read the poem about a boy who saw a little bird. Yeh jo poem hai, isme ek bird hai aur ek boy hai. Us boy ne us bird ko dekha hai. Let's read it. Once I saw a little bird hop hop hop. So, I cried little bird stop stop stop. To ek bar छोटी सी बर्ड को देखा जो हॉप कर रही थी कूद रही थी एंड मैंने चिल्लाया मैंने बोला लिटिल बर्ड तो लिटिल बर्ड ने क्या किया रुक गई आई गोइंग टू टू द विंडो से हाउ डू यू डू बट शी लिटिल लिटिल हिज टेल एंड फार अवे इट फ्लू मैं अपने विंडो के पास गया मैंने सोचा उससे पूछूं तुम कैसे हो लेकिन वो जो बर्ड थी उसने अपनी पूछ को हिलाया छोटी सी पूछ को और वो उड़ गई नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट डेड द बर्ड बॉय सी सो द बॉय सॉ आटिल बर्ड लेट्स राइट इट हियर वॉट वॉज द बर्ड डूइंग बर्ड क्या कर रही थी बर्ड वॉज Sitting. Bird was hopping. Hop, hop karate. What did the boy say to the little bird? The boy said to the little bird, the boy said to the little bird, stop, stop, stop. And what did the bird do? The bird stopped there. So, these were the answers, children. Now, in the second question, next question B part, what you have to do? Draw and color a picture of a bird and paste it in your scrapbook. So, here you have to draw a bird and color it, and you have to paste that picture in your scrapbook. Now, C question is write the name of 4 birds. 4 birds, ke, namely, there is a pigeon, sparrow. Eagle, vulture, and so on. So, children, I hope you enjoyed the poem and also you have completed the exercise. I will be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned.